इस ब्रह्मांड में पृथ्वी का एक विशेष स्थान है। इसी भूमि पर हर एक जीव का जन्म और मृत्यु निश्चित है। उसी तरह मनुष्य का जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म होता है। उनमें बहुत कम लोग हैं जिन्हें अपने पिछले जन्म की बातें याद रहती है। पूर्व जन्म का समय, जगह, घर और परिवार, इन सब से जुड़ी हुई बातें उन्हें याद रहती है और यही यादें उन्हें जीवन भर सताती है। अरे भाई, खबर मिली क्या? कौन सी खबर भाई? अरे भरत और बाहुबली को बेल मिल गई है। पर बेल कराई किसने? एक पैसे वाली फॉरेनर लड़की ने। इनकी पहुंच फॉरेन तक है, पर वो है कौन? वेलकम मैडम। हेलो। डबल और सिंगल रूम मैडम? वन रूम। ओ, मैरिड मैडम? नो। एंजॉय एंजॉय। आई नीड अ गाइड। आई अरेंज मैडम। क्या आप हिंदी में बात कर सकते हैं प्लीज? यू अंडरस्टूड हिंदी मैडम? बहुत अच्छी तरह से। मैं फ्रेश होकर आती हूँ, प्लीज अरेंज द गाइड। Madam, we will do, madam. After marriage, Peter. After marriage? You speak like an old Indian woman. Indians are way more forward than you think, Shri. They're way more ahead than the Westerners. Look, I found this over here. What will you say? You need to wait till we get married, you know.
ओके मैडम। हेलो मैडम। हेलो सर। हेलो। Hello. Myself, Mr. Vasu, but people call me Indian Vasu. Hmm. But I speak 5 languages, madam. Hindi, English, Tamil, Telugu, and also Malayalam. I've seen it on Google. Oh. आप देवनागरी भाषा के अलावा सारे languages अच्छे से जानते हैं. Is it true? वाह मैडम, आपने हिंदी भाषी लोगों के बारे में काफी कुछ जान लिया है. But you are actually right, ma'am. आप ही देखिए ना, आप foreigner होकर भी कितनी अच्छी हिंदी बोलती हैं. Super, madam. बहुत talented हैं. पर यहाँ के कुछ लोग यहीं के होने के बावजूद ऐसे इतराते हैं. बाथरूम जाने के लिए भी कम या गो या जैसी चीजें करते हैं. बट 80% ऑफ आवर इंडियन पीपल हैव अ बिग हार्ट मैडम. आप उससे हिंदी में ही बात कीजिए. थैंक्स मैडम. मेरा मतलब था उनका दिल बहुत बड़ा होता है. यू पुअर इंडियंस आर ओनली टॉकिंग अबाउट द हार्ट. फॉर अस हार्ट इज अ ब्लड पंपिंग ऑर्गन. देयर इज नो इमोशन रिलेटेड टू दैट. आई वुड से एवरीथिंग इज इन द ब्रेन. गॉट इट सर. आपके लिए दिमाग ही सब कुछ है. पर सिर्फ दिमाग होने से क्या फायदा सर? दिमाग से आप आगे निकल सकते हैं, पर अगर आदमी अपना दिमाग ही खो दे तो दिल ही उसको बचा सकता है ना मैडम? Yes. इसीलिए तो हमारे पूर्वज कहकर गए हैं, अपना सिर ऊपर करके ना चलें, बल्कि इंसान की तरह चलें। सही कहा ना मैडम? Hey boss, I'm really tired. How much longer? पहाड़ चढ़ने के लिए जिगर चाहिए बॉस, दिमाग काम का नहीं है. मैडम, दिस इज 57 फीट स्टैच्यू कॉल्ड गोमतेश्वरा, बिल्ट इन अ सिंगल रॉक बाय चामुंडराय. एवरी 12 इयर्स वी परफॉर्म ग्रैंड अनॉइंटमेंट. इट्स एग्रीकल्चर फील्ड्स एंड ब्यूटीफुल माउंटेन्स. मैडम, वन फोटो ऑफ मी. ओके. हे बॉस, हाउ लॉन्ग? आरंट यू टायर्ड? मैन, लुक एट द साइज ऑफ योर थाइस. व्हाट आर यू ईटिंग? यू लाइक माय लेग्स? ही लाइक्स माय लेग्स. My legs are very, very powerful, very powerful. You eat Indian food. Mm-hmm. You drink mutton soup. You eat Indian curry, methi. Hey, powerful. Is it powerful, huh? Very powerful. Super powerful. I'll teach you Indian yoga. I teach you Indian acrobatics. Like everything this? Everything I teach you. नहीं, ये सब हम नहीं सिखाते. इसमें चोट लगने का खतरा होता है. मैडम, वहाँ पर जूस बहुत अच्छा मिलता है. आइए ना. मैडम के सामने कचरा कर दिया. कितना शो ऑफ करेगा. हेलो सर, दिस इज इंडियन पावर सर, फुल स्ट्रेंथनिंग, इंडियन फूड, फुल स्टेबल. आ जाओ, अब हमें बस थोड़ी ही दूर जाना है. थक गए हो क्या? तुम भरत बाहुबली को जानते हो? व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड? मैडम, मैडम, प्लीज प्लीज ऐसे अच्छे वक्त पर उन जैसे घटिया लोगों का नाम मत लो. बिल्कुल मत लो. धोखा देने की वजह से तो वो दोनों जेल में है. जेल में? दूसरों का घर उजाड़ने निकले थे, अब जेल की हवा खा रहे हैं. एकदम सही हुआ. नो नो नो, आई एम टॉकिंग अबाउट भरत बाहुबली. या, आई एम टेलिंग यू अबाउट भरत एंड बाहुबली ओनली. शो योर फिंगर एंड दे विल ग्रैब योर हैंड एंड रिमूव इट. इंटरेस्टिंग. फ्रॉम चाइल्डहुड वेरी वेरी नॉटी. सुनो तुम दोनों, अगर गाड़ी पर एक भी निशान आया ना तो तुम दोनों की खैर नहीं. ध्यान से सुन लो. क्या रे, अब तक तुम दोनों यहीं पर हो? अच्छे बच्चे हो तुम लोग. अच्छे से पढ़ाई करो और बहुत आगे बढ़ो. आगे चलकर खुद जान जाओगे.
मैं कौन हूं? कश्यप ब्रह्मा का पुत्र, दिव्य शक्तियों से जन्मा हुआ बालक, चतुर्मुख ब्रह्मदेव का पोता। सर्वशक्ति से अपना भाग्य फिर लिखने के बाद जिसने अपने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है, वो साहसी जिसने आदित्य के पुत्र का विनाश किया, और वो जिसने आदित्य को धूल चटा दी, और वो जिसने लोक परलोक भूलोक को अपने कदमों तले चलाया है, वो शक्तिशाली हूँ मैं। ओहो, अब हिरण कश्यप का मजाक उड़ा रहे हो। कौन बोल रहा है? पापा। ये तो भोजराज है। निकम्मा कहीं का। और तुम्हारा क्या है? ये भाई बहन बैठकर कौन सी नई मुसीबत बना रहे हो? टिकटॉक पापा। ये फालतू के खेल खेलने से अच्छा अपने भाई को कुछ काम धंधा करने को बोलो, और तुम भी कुछ कर लो। क्या हुआ रे मुन्ना? कुछ काम भी कर लो भरत। राइट। हुआ भाई, शुरू में ही पसीने छूट गए। किसी ने तुझसे मजदूरी करवाई है क्या? ये तो बहुत ज्यादा ही मेहनत करता है, इसीलिए तो इसके इतने पैसे छूट रहे हैं, और इसका तो उसे बाद में फल भी तो मिलता है। बस बस, अगर किसी गांव वाले ने सुन लिया ना तो बवाल होगा, समझ जाओ। हाँ, गांव में किसी को भी बच्चा हो ना तो मेरी बीवी मुझे घूर कर देखती है। तुझे? ए भाई, अरे बस हो गया तेरा नाटक। बीवी को बच्चा दे नहीं सकता, और पूरे गांव की औरतों को बच्चा देगा? चुपचाप खेल। मेरी बात सुनो, रात को 10 बजे तुम और तुम्हारी बीवी बैठ के टीवी पर एक प्रोग्राम आता है, बिफोर प्ले और आफ्टर प्ले, वो बैठ के देखो, मैं बोलता हूँ मजा आ जाएगा। भाई, वो रमी खेलना सिखाते हैं क्या? अरे नहीं रे, अंदर बाहर सब सिखाते हैं। ओ अच्छा। शो। वे, मेरे दो लिख लेना। ले मेरे पास। और तुम्हारे कितने? मेरा तो पूरा बुक है। रोहन, यहाँ पर रोहन कौन है बे? चुप, मेरी बीबी आ रही है। आ रहा हूँ, बीज निकाल रहा हूँ। अरे पर तेरा नाम तो रंगे गावड़ा है ना? हाँ, रंगे गावड़ा ही है। टीवी सीरियल देखकर बीबी ने नाम ही बदल दिया मेरा। तुझे क्या लगता है, सिर्फ नाम चेंज कर लेगा तो क्या बच्चा हो जाएगा क्या? कभी चैन से सोने तो जा। निकम्मे कहीं के, मैं खाना खाकर आता हूँ। अबे पैसे देकर जा। कैसे पैसे? ये जगह मेरी है, पैसे तो मुझे मिलने चाहिए। ए, बड़ा महंगा क्लब है क्या तेरा? चटाई चद्दर तुम्हारी और पैसे क्या हमारे? चुपचाप पैसे दो और जाओ। अच्छा तो तुम अपना बिस्तर लेकर आओ ना, वैसे भी कोई गेम्बल खेलने के लिए अपनी जगह नहीं देता। राजू तू भी, तू क्या कर रहा है यहाँ? तू घर आ, मैं अब तेरी माँ से शिकायत करूंगी। मेरी आंटी, मैं तो पढ़ाई कर रहा था। सिगरेट हाथ में लेके कौन सी पढ़ाई होती है? हाँ नहीं आंटी, ये इनकी है। हाँ मेरी है लाला। अरे आंटी माचिस आ गया। तुम तो बीच निकालने वाले थे ना, और अब यहाँ बैठे हो। ये तो अभी आए और बैठ गए तो खेलने लगे। ए भरत, बिगाड़ने के लिए मेरा ही पति मिला था क्या? अच्छा। ए भरत बाहुबली, मेरे पति का जो भी चुराया है उसे वापस कर दो। बालक रोहन, अपनी पत्नी को बता दे कि तू कोई दूध पीता बच्चा नहीं है अभी। अरे जाने भी दो ना, बस टाइम पास करने के लिए खेल रहे थे। तू तो खतरों का खिलाड़ी निकला बे। खिलाड़ी हो तो तेरे जैसा, बीवी देखते ही पति परमेश्वर। कुछ कम नहीं है, आ जाता है लोगों को परेशान करने, सुधरेगा नहीं। वैसे भी हमारे घर की फसल कहाँ सीधी है। घर आओ, बताती हूँ तुम्हें। सब तुम ही करोगी तो वो क्या करेगा? क्या कहा तुमने? मैं तो घर जा रहा हूँ। लगता है भाभी रोहन से खुश। मैं भी आता हूँ बीज तोड़ के। अब तुम कहाँ चले? फिर से जुआ खेलने? जुआ भी बनना है। ए भरत, बिगाड़ने के लिए मेरा ही पति मिला था क्या? ए भरत बाहुबली, मेरे पति का जो भी चुराया है उसे वापस कर दो। किसानों को देश का कर्ता धर्ता मानते हैं, पर नई पीढ़ी किसानों को देश का बच्चा कहने में हिचकिचाते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें खेती बाड़ी के लिए रोबोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं राज के इंटेलेक्ट मिस्टर समंथन। आज की युवा पीढ़ी के लिए अपने विचार बताइए।
अब मैं क्या बोलूं? बोलने तो दो मुझे। आप बोलने देंगी तभी तो कुछ बोलूंगा। इतनी देर से तुम ही बात की जा रही हो। अगर मैं कुछ भी बोलने जाऊं तो स्पीकर से बात करने को कहती हूं, उसके बाद कुछ भी बोलने जाऊं तो तुम ब्रेक पे ब्रेक ली जा रही हो। अब तुम ही बात करते रहो, मैं जा रहा हूं, मुझे और भी काम है। बैठ जाइए ना, आज का दिन तो आपका ही है सर। एक छोटा सा ब्रेक लेकर डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक। क्या कहा? फिर से ब्रेक ले रही हो? क्यों गुस्सा करते हो काका? हाँ बताइए, आपकी क्या प्रॉब्लम है? उसको फोन कर, बोलना आज घर मत आना, कहीं और सो जाए आज। किसी ने बंद नहीं किया, केबल चला गया। मुझे पता है इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि मैं कुछ कमाता नहीं, मैं तो बस बैठ के खाता रहता हूँ। देखो माँ, खेती करना हल चलाना मुझसे नहीं होगा, समझी? शहर चले जाते हैं, सिर्फ दो ही महीने में चार चक्का गाड़ी लाके दे दूंगा, देखना तू। जो लोग स्विफ्ट कार खरीदते हैं ना, वो जाते हैं मुंबई और ओला और उबेर में दिन भर ड्राइवर्स का काम करते हैं। हर जगह इतनी मेहनत करनी पड़ती है, फिर चाहे गांव हो या शहर। प्रिय पिताश्री, मेरा एक प्रश्न है। ये हमेशा काम करो कितने सालों से कह रहे हो पापा, इस काम के लिए गवर्नमेंट से आपको कोई सीक्रेट सैलरी आती है क्या? हाँ, ओ बाजू वाला सिद्धा कर्जा नहीं चुका पाया तो कोल्ड ड्रिंक में साइनाइड मिला के पी गया, बेचारा मर गया, और उसके छोटे छोटे बच्चे और उसकी बीवी गाँव छोड़कर चले गए, शहर में बस गए, पूना जैसे शहर में। बहुत अच्छा कमाती है वो। हाँ हाँ, वो कैसे कमाती है ये तो सारे गांव को पता है। पता नहीं आप जैसों की छोटी सोच कब बदलेगी। अरे दुनिया कहां से कहां निकल गई, लेकिन आप वहीं के वहीं पर रह गए। अगर कोई आपसे ज्यादा पैसा कमाए तो उसे सर पे बिठा के घूमते हो, ये दुनिया लालची है समझे। लेकिन एक बात तो सच है, घर से निकलो तो ही बरकत होती है। देखा, गाँव में तो इनसे कुछ नहीं हुआ, अब शहर जाकर तीर मारेंगे। नालायक, देखो कैसे हंस रहा है। हेलो, अरे कौन से ब्रांड की दारू पिला दी यार, पेट अब तक खराब है। आज से मैं ऐसे घटिया ब्रांड की दारू नहीं पीऊंगा, तू ही पीना यार। हेलो मैडम। यस, व्हाट यू वांट? कल रात मेरे दोस्त ने एक लोकल ब्रांड की दारू पिला दी, मैं भी जल्दी जल्दी में पी गया, अब मेरा पेट बहुत खराब है और सर भी दुख रहा है, बताइए मैं क्या करूं? ज्यादा अल्कोहल पीने से तुम्हारी बॉडी ड्राई हो गई है और इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, यू नो। और तुम्हें पता है, जैसे कि हेडेक, ज्यादा वॉमिटिंग होना और डायरिया के चांसेस भी काफी होते हैं। क्या डाय? नॉट डाय, डायरिया। आप क्या बोल रही है, मेरे तो सर के ऊपर से जा रहा है, आप कोई दवाई दो ना तो मैं खा लेता हूँ उसको। ओए, मेरी माँ कोई चैरिटी नहीं चलाती जो तुझे फ्री में एडवाइस दे दे। दवाई चाहिए तो क्लिनिक आओ और पैसे भरो, समझे? कम टू माई क्लिनिक, इडियट। अरे जाओ जाओ, बढ़िया ही डॉक्टर, बात करनी तो आती नहीं, चली मुझे दवाई देने के लिए। अरे पापा, आप भूत बन के क्यों खड़े हो? मैंने कल रात में दारू पीना। अब मैं क्यों पीऊंगा दारू? सब सुना जो तुमने फोन पर कहा। तूने कल रात 10 बोतल दारू पी और अभी उल्टियां कर रहा है, दारू चाहिए ना तुझे? रुक, अरे अरे पप्पे, अरे पप्पे, अरे भाट डालेंगे, अरे मम्मी तुम्हारे हस्बैंड मुझे भाट डालेंगे। क्या बात है, रुक जा। हां पप्पे, मुझे बुझाओ। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? तुम बीच में मत आओ। क्यों, लेकिन आपको क्या हुआ है, क्या किया है ऐसा मेरे बेटे ने? मैंने जो अपने लिए दारू लाई थी ये कमबख्त सारा पी गया। अरे अरे रुको तो सही, मेरी बात सुनो। तुम्हारे ही बेटे ने शराब पीना, किसी बाजू वाले ने तो नहीं? बेटा, आखिर तूने इनकी शराब पी ही क्यों? जैसे कि वो बहुत बढ़िया दारू थी, कुत्ते बिल्ली को दो तो भी नहीं पियेंगे, मैं क्यों पीऊंगा? लो सुन लिया ना, बिना कुछ जाने ही चप्पल से मारने आ गए तुम। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, ये सब तुम्हारा लाड प्यार है। अब तो तू मेरी दारू के आसपास भी दिखा ना, जा देख लेना, तेरा कीमा बना के छोड़ूंगा, देख लेना। छोड़ूंगा नहीं तुझे। जो करना है कर ले, निकल यहाँ से। इन्हें अंदर भेजो। यस सर।
यहाँ पे ज्यादा स्टार किसके पास? Go inside. Okay. Hello, sir. हमें मिलिट्री ज्वाइन करनी है. गुड. आर्मी को तुम जैसे लोगों की जरूरत है. मुझे तुम पर वाकई गर्व है. थैंक यू. जाकर फॉर्मेलिटीज पूरी करो. कौन सी फॉर्मेलिटीज सर? सर वो सब बाजू में रखिए. हम जो जॉब करने वाले हैं वो करने से पहले हमारी कुछ शर्तें हैं सर. शर्तें? कैसी? रात को 8 बजे के बाद हमें एक बोतल दारू चाहिए. ब्रांड कोई भी हो चलेगा सर. लड़ाई करने के लिए हम अलग से भत्ता लेंगे सर. डिपेंड्स ऑन कंट्री वॉर. अगर पाकिस्तान के साथ हो तो अलग से बोनस लेंगे. hey, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तू ये सब क्या मांग रहा है? हम देश की रक्षा करने के लिए जा रहे हैं. ये सब नहीं मांगते पागल. सर हमें ये सब नहीं चाहिए. बस वॉर के वक्त हम दोनों को छुट्टी दे दीजिए. हाँ वो क्या है ना, हमें ठंड और गर्मी में खड़े रहने की आदत नहीं है. पापा ने बड़े नाजों से पाला है हमें. और सर सुना है मिलिट्री ट्रेनिंग में आप बहुत टॉर्चर करते हैं, लेकिन हमें टॉर्चर मत करना. डायरेक्टली बॉर्डर तक पहुँचा देना. बंदूक लेकर तैनात हो जाएंगे. ठीक है ना? कॉन्स्टेबल सर. यस सर. उसे गन दो. पकड़ो. अरे आराम से. गन पकड़ने के लिए हाथों में दम नहीं है. इंसेंटिव चाहिए तुम लोगों को. सर्दी गर्मी झेल नहीं सकते तुम लोग. हमारे सोल्जर्स जो अपॉइंट होते हैं जानते हो कितनी ठंड झेलते हैं? -16 डिग्री. मान जाऊंगा सिर्फ एक दिन हमारे सैनिकों के साथ वहां रहो. है हिम्मत? हमारे सैनिक रात दिन गर्मी ठंड बारिश तूफान होने के बावजूद अपनी ड्यूटी करते हैं. उन्हें दूसरों की तरह बहुत अच्छी सैलरी नहीं मिलती, लेकिन फिर भी अपने देश के लिए वो सैक्रिफाइस करते हैं. सैक्रिफाइस का मतलब भी जानते हो तुम लोग? निकलो यहां से. जाओ, निकल जाओ. अभी के अभी बड़े आदेश की सेवा करने वाले. सॉरी. क्या जॉइनिंग है ना, बॉर्डर पे मिलते हैं. चल. ये मूर्ति किसने बनाई है? मल्ला सर, आपका अच्छा लगा ना? ये मैं हूँ या मेरा बाप? क्यों सर? क्योंकि समझ नहीं आ रहा कि मैं हूँ. उसके लिए तो बड़े बड़े अक्षरों में आपका नाम लिखना होगा. तेरी तो बहुत पैसा मिला होगा ना इसका? फिर तो आज घर पे मटन बनाया होगा. नहीं, चिकन बनाया सर. इसकी तो दे इधर. चुप रहो. हेडमास्टर, ये क्या हुआ? ये क्या किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया सर. मैं नहीं जानता ये कैसे हो गया. मुझे कुछ नहीं पता सर. अगर तुमने नहीं किया तो ये सिर गिरा कैसे? पूरे गांव में ये सिर्फ एक ही स्कूल है. इन बच्चों की पढ़ाई के लिए मैंने स्कूल में कितनी मदद की है. उसके लिए मुझे एक स्टैच्यू चाहिए था, वो भी तुम लोगों ने बिगाड़ दिया. देखो ये कैसे हुआ इसकी मुझे पूरी जानकारी चाहिए, नहीं तो मैंने जो कुछ भी यहाँ के लिए दिया है सब लेकर जाऊंगा. है सर, मुझे अभी अभी याद आया, हमारे स्कूल में सीसीटीवी कैमरा है सर, तो चेक करते हैं ना. सीसीटीवी कैमरा? ये सब किसने किया मैं ढूंढ लूंगा सर. इसीलिए तो सीसीटीवी कैमरा लगाया है. अब तो हम नंगे हो जाएंगे. अरे नहीं नहीं, अपनी शक्ल थोड़ी ना पहचानेंगे. यहाँ बच्चों के लिए अच्छी टॉयलेट्स भी नहीं है, और तुम बोलते हो कि ये हमारा कैंपस कैंपस. और बताओ मुझे टॉयलेट कहाँ है? चलो आइए सर. नागन्ना को इस गांव में गॉड फादर के नाम से भी जाना जाता है. अगली बार वो जिला परिषद के इलेक्शन के लिए भी खड़े होने वाले हैं. कैमरामैन टॉमी के साथ कुमार, टीवी राइट. सर मेरा नाम टॉमी नहीं टोनी है सर. इसको पकड़. मैं जंप करूंगा करूंगा. ये जंप था क्या? कैसा लगा मेरा? जा ओलंपिक में जाके खेल. ये भूत नहीं है, ये तो स्टैचू है. स्टैचू बे.
ये सारा गौड़े चगल पहचानने में नहीं आ रही। ये तो वो है गॉडफादर नागन्ना। नागन्ना मर गए। नागन्ना पत्ते दारू पीना, दारू पीना। पत्ते खेलने में इतने बिजी थे पता ही नहीं चला बेचारे चल बसे। नागन्ना तो वो मरा नहीं है, मैंने आज सुबह ही देखा था जिंदा ही है। अरे यार लेकिन इस येड़े का इधर पोतला क्यों बनाया ला यहाँ पर? अरे इसने ऐसा क्या किया है जब गांव वालों को पेंसिल रबड़ बांटे ला इसने तो? लेकिन ऐसा क्या हुआ जो गांव वाले इसे गॉडफादर गॉडफादर कह के बुलाते? अच्छा भरत ये गॉडफादर क्या होता है यार? जो जन्म देता है वो फादर और जो तुम्हारे पीछे हमेशा रहता है वो गॉडफादर। लेकिन तेरे पीछे तो कोई है ही नहीं। जब हम अपने पाँव पर खड़े रह सकते हैं, खुद से मेहनत कर सकते हैं, तो हमें गॉडफादर की क्या जरूरत? हमें सिर्फ गॉड चाहिए। गॉड ही हमारा फादर है। ए, कुछ भी बोलता है, तू तो अपने पैरों पे कब का खड़ा हो गया लेकिन फिर भी गांव में भीख मांगता फिरता है। तुझे क्या लगता है पैसा क्या आसमान से टपकता है? अबे मेहनत से मिलता है सब कुछ। यार तू सही बोल रहा है यार। तो गॉडफादर की जरूरत क्या है यार? जो साला लोवर कहीं का पगड़ इसको देखता है तो साला लोवर। अरे क्या कर रहा है तू? तुम बाहर जाओ और दरवाजा बंद कर लेना। हाँ सर, अब देखना प्रसाद मिलेगा तुम लोगों को। इस येड़े ने अपने को कब देखा था? अब ये तो हो रहा है। बताओ तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? इलेक्शन सर पे है इसलिए मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। तुम लोग उसे क्यों बिगाड़ देते हो? सिर्फ इलेक्शन जीतने दो और इलेक्शन तक कुछ मत करो। तुम लोगों को क्या चाहिए? दारू चाहिए? तुम लोगों को दारू चाहिए? दारू चलेगी सर, दारू चलेगी। मेरे अंडर में बहुत सारे बार हैं, पैसे देने की जरूरत नहीं है, एकदम फ्री। चलेगा सर, चलेगा। और तुमको सेल्फ रिस्पेक्ट? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। तुम दोनों एक काम करो, बार में बाउंसर का काम कर लो। मैं सैलरी दे दूंगा हर महीने और जितनी चाहिए उतनी दारू, ठीक है? अरे आपने तो बहुत ज्यादा दे दिया सर, मैं तो आ जाऊंगा। क्या हुआ भरत, तुमको क्या हुआ? तुमने कुछ नहीं कहा, तुम आओगे ना? ए, और एक दे। पहले पैसे टेबल पे रखो फिर दूंगा सब। ए, मैं आया जब तो तेरे बार में लक्ष्मी आई है और तू पैसे मांग रहा है। ये लेना। अरे बिना पैसों की दारू मिलती है क्या कहीं पे? तू पैसे क्यों मांग रहा है मेरे से? दारू पिला और दारू पिला। पहले पैसे दो। क्या हो रहा है इधर? अन्ना ये पैसे नहीं दे रहा और बकवास कर रहा है। अब तू पैसे लेगा, लेना लेना ले पैसे। मेरा थोबड़ा क्या देख रहा है? लेना लेना। ओ, लड़कों को लेकर आए, ले लो मेरे पैसे। आओ आओ ना, अरे आओ आओ इधर। पहले ही देना चाहिए था ना। इतना हुआ उसका? अन्ना सिर्फ 10 रुपए। देखा डबल का मैजिक। दस रुपए के लिए 4 बियर बॉटल तोड़ दी। तुम्हारी यहां जरूरत नहीं, और किसी दूसरी जगह चलते हैं, ठीक है ना? चलो मेरे साथ। और डालू? मेरी प्यारी बहन मेरी हर बात अच्छे से समझती है। तू ही तो है जो मेरे आने तक खाना नहीं खाती। ये ले सिम कार्ड लाया हूं तेरे लिए, अनलिमिटेड।
अब चाहे जितनी बातें करती रहे, मम्मी ये तुम्हारे लिए। हाँ। पापा ये आपके लिए, दो ना, दो दो, अरे दो उनको, दो, दो। मेरी मेहनत की कमाई है। कमाई सन्नी लियोनी भी कमाती है, तू कितना कमाता है इससे जरूरी है तू कैसे कमाता है। कपड़े लेकर दफा हो जा। वो एक स्टार है, मेरी तरह उसके करोड़ों फैंस हैं। आपके हैं कोई फैंस? आपकी तो भैंस भी आपकी बात नहीं सुनती। जब मेरा खुद का बेटा मेरी बात नहीं सुनता तो भैंस क्या सुनेगी। ए भरत, अपने पापा को उल्टा बोलता है तू? क्या उन्होंने कभी तुझे काम पे लगाया? तू घर पर बैठ क्यों नहीं सकता है आखिर? हाँ, मैं निकम्मा था तो डांटते थे, अब मैं कमा के लाया फिर भी डांट रहे हो। मैं तुम इस आदमी के साथ कैसे मैनेज कर रही हूँ? अगर तुम्हारी जगह कोई और होती ना तो एक दिन में डिवोर्स हो जाता। सुन लिया तुमने, अब अपने माँ बाप का डिवोर्स कराने पर उतर आया है ये। अरे पापा जरा चुप रहिए, अगर आप डिवोर्स देते हो ना तो आपको और एक बच्चा होगा। ये हमारे संस्कार नहीं, इंडिया इज ग्रेट, ऑल इंडियंस आर ग्रेट, पर फैमिली वैल्यूज सबसे इम्पोर्टेंट है। तो चुप बैठ। फैमिली वैल्यूज तो फॉरेन में भी है, जहाँ माँ पापा भाई बहन भाभी फूफा सब एक साथ बैठ कर पीते हैं। देख गूगल पे मिलेगा। हर बात पे पीने की ही सूझती है इसे, नालायक। इस जन्म में तो तेरा कुछ नहीं होने वाला। मैं सोने जा रहा हूं। हेलो, जल्दी से व्हाट्सएप ओपन करो, मैंने नया नंबर भेजा है, सेव कर लेना, ठीक है? बाय बाय। लव? क्या कहा तूने? ए चुप कर, पापा तेरी लव स्टोरी सक्सेसफुल नहीं होने देंगे, उनको गलती से भी मत बताना। पैसे से शादी करा देंगे। हम तुम्हारी भी शादी कराएंगे किसी अच्छी फॉरेनर से। फॉरेनर? हाँ, यहाँ गांव की लड़कियां पटा नहीं पा रहा हूँ और तुम फॉरेनर ढूंढ रही हो। केस नंबर 16/05। मुझे पैसों की कोई परवाह नहीं, मुझे वो लोग चाहिए। ये देख, ये इधर तैरना सीख रहा है। अबे ये तो सुसाइड कर रहा है यार, बाहर निकल इसे, जल्दी निकल, निकल ना। मुझे तो तैरना नहीं आता। अरे ऊपर खींचना। मुझे छोड़ दो, मुझे मरना है, मुझे इस दुनिया में नहीं रहना है, मुझे छोड़ दो, मैं मरना चाहता हूँ। I don't want to live, मुझे मरना है। लेकिन इंग्लिश की माँ बहन क्यों कर रहा है? कान के नीचे मारूंगा ना। क्या हो गया तो जो अपनी जान देने निकला था? और वो अभी ड्रम के अंदर। ए, इसके लिए तो ड्रम ही कुआं था। मेरी हाइट ही मेरी प्रॉब्लम है। ए, हाइट की बात तो दिल पे मत ले यार, होता है। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। प्यार? तू? उसके घर वाले उसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ रहे हैं। अबे लड़की के लिए वो लोग लड़का ही ढूंढेंगे ना। प्यार वन साइडेड है? नहीं, उसकी तरफ से भी है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है यार, चलो उसे भगा के ले चलते हैं। मुझ में इतनी हिम्मत होती तो मैं ड्रम में सुसाइड करने क्यों जाता। ए, तो अभी क्या, तुझे उससे शादी करनी है बस, इतना ही ना? हाँ चल करा देंगे। सच में? ए, भरत के मुंह से निकली बात मतलब पत्थर की लकीर, मैं तेरी शादी करवा के ही रहूंगा। सच में क्या? अरे हाँ भाई। सच में? हाँ रे बाबा। सच में क्या? ए, हमारी पहचान तो दूर दूर तक है, तेरी शादी भी करवा देंगे। ठीक है। हेलो, वो लड़की आ रही है। अरे जल्दी करो यार। ध्यान से देखो, जो अभी चले हैं अपनी चीजों का ध्यान खुद रखें। उधर देखना। मुंह ढकने के लिए तुझे एक और चादर दूं क्या? अरे हम स्कूल में तुझे घूरते थे, अब हम बड़े हो गए हैं, अब नहीं घूरेंगे, तू आराम से बैठ। ठीक है ठीक है, ओके। ये सब कुछ ना उस कंडक्टर की वजह से हो रहा है। टपका तू क्या? 302, 304। अरे नहीं 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 नहीं।
इधर आ। क्या हुआ, क्या चाहिए? अरे इधर तो आजा। आ रहा हूँ। आ तो सही, तुम साइड में हटो। आजा ना। बस में चढ़ के दादागिरी करना चाहते हो क्या? तुम्हें तो मारना चाहिए। आजा, आजा। हमको मारेगा? ये क्या दादागिरी मचा रखी है? इसने कॉलर भी पकड़ ली। तुझे पता भी है हम लोग कौन है? चेंज पैसे दो, मेरे पास थोड़ी है। आगे चलो आगे। ए, अब तेरी वाली कहाँ है बता? आ, वो देखो वहीं खड़ी है, वही है। ये वाली क्या? वो बोनी नहीं है, ये नहीं है, वो वहाँ है। पूछ क्या हो क्या? जब पूछ ले। ठीक है। भरत, बी पॉजिटिव। तुम साइड में हटो। मुझे इससे 5 मिनट बात करनी है। मैं क्यों साइड हो जाऊं? जो कहना है मेरे सामने कहो। तुम्हें जानना है तो तुम बड़ी बेशर्म हो, मुझे क्या रुकना है तो रुको। अनु, मेरी आंखों में देखो। हमें पता है तुम लोग पी कर आए हो। अरे दिखता नहीं क्या मैं बात कर रहा हूँ? बात भी नहीं करने देती पागल। अनु, ओए, आई लव यू, आई लव यू। क्या लव? ये क्या कह रहे हो तुम? पहले तो हमारा पीछा कर रहे थे और अब हमारे गांव तक आ गए और अब यहाँ पर आकर प्यार का इजहार कर रहे हो? समझते क्या हो अपने आप को तुम? मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ, 5 मिनट बात करने दो बस मुझे। ए लोफर, दूर हट। देखा तूने, पहले तो तुझे आई लव यू कहा और अब मेरे साथ भी फ्लर्ट कर रहा है। ऐसे छिछोरों पे कभी भरोसा मत करना। हट यहाँ से। अपनी लवर के सामने उसकी सहेली पर डोरे डाल रहा है। इसे तो तुमसे जलन हो रही है। मैंने तो तुम्हें गले ही नहीं लगाया। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। कौन है तुम? भाई ये तो कोई टपोरी लग रहा है। देखो ना भैया, हमारा पीछा करते करते गाँव तक आ गया और हमसे अब प्यार का नाटक कर रहा है। कौन से गाँव से हो? अपनी जान प्यारी है कि नहीं? अरे भाई आप हीरो बाद में बनो, पहले देखो तो वो आपको क्या बोल रही है। भैया बोल रही है आपको? भैया मैं भाई हूँ, हमारे पूरे गांव का मैं भाई हूँ। अगर फिर से ऐसा किया ना तो तुझे नहीं छोड़ूंगा। ए धक्का मत दो, अकेला समझा है क्या? जानता है मैं किसके साथ आया हूँ? भरत रुक, भरत। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? अरे भाई झगड़ा बगड़ा छोड़ो, कॉम्प्रोमाइज करते है ना भाई। आज से मैं इसका भाई हूँ भाई, आप ही नहीं मैं भी इसका भाई। भैया मुझे बिल्कुल हाथ मत लगाना। भैया इसने तीसरी बार मुझे छुआ। लड़कियों को हाथ लगाए हो तुम? नहीं नहीं। अरे अरे देखो वो लोग भाग रहे हैं। भाई वो देखो बाइक से भाग रहा है। ए, उसके साथ तो क्या, तेरी बहन से भी प्यार करूंगा, जो करना कर ले। जल्दी करो भाई। सतीश मेरी बात सुन, गांव के एंट्रेंस पे 2 लड़के बाइक से आ रहे हैं, बिल्कुल छोड़ना मत उन्हें। संतु, एक लड़का बस पे लटक के निकल गया, वो बस गांव की तरफ जा रही है, उसे पकड़ के रखना। We'll be right back.
गई। चलो उठ। अबे बैठ के क्या सपने देख रहा है? कब से देख रहे तेरे को? ये साइलेंसर के साथ कर क्या रहा है तू? चलो उठ। इसने गांव की लड़की को छेड़ा है। पागल कहीं का। क्या चल रहा है ये सब? अन्ना, ये गांव की लड़की को छेड़ रहा था अन्ना। तो कहीं भी झगड़ा कर लोगे जहाँ दिल चाहेगा। पंचायत में चलकर बात करते हैं ना। तुम लोग सब वहाँ वहीं चल के बात करेंगे। भाई बिल्कुल सही बोले भाई, चलो पंचायत में चलते हैं। क्या है? लव केस है। लव केस है क्या? तो करने दो, टेंशन क्या है? ओ, तुम जानते हो आखिर हुआ क्या है? एक लड़की ने एक लड़के से प्यार किया, दोनों ने एक दूसरे को देखा, दोनों मिल गए, टेंशन खलास। तुम्हें बीच में टांग अड़ाने की जरूरत क्या है? क्या क्या बात बोली है सर? सही पकड़े ना। हम लोग क्या कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं? सही तो बोल रहा हूँ मैं। हमने तुम्हें सरपंच का स्थान दिया और तुम हमें ही नीचे गिराओगे क्या? अचानक हम सरपंच कैसे बदलेंगे? वैसे भी वो ठीक ही कह रहे हैं। क्या ठीक कह रहा है वो? दूसरे गांव के लोगों की बातों में आना क्या ठीक है? इस सरपंच की मत ही मारी गई है। मतलब ये नहीं कि गांव के सभी लोग ऐसे हैं। क्यों बे? तू कौन होता है बोलने वाला? अब तुझे दिखाता हूँ मैं कौन हूँ। चल चलते हैं। ओए रुको, देखो मैं। तू शांत रह, मैं बात करता हूँ। हट, तू वहाँ खड़ा रह, वहाँ खड़ा रह। अब क्या? तुम कुछ भी मत बोलो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, नहीं तो इतना आगे बढ़ता ही नहीं है। जिस भी लड़की से प्यार करता है उसकी तुम जैसी कोई ना कोई दोस्त निकलती है, दीवार बन के खड़ी हो जाती है। ए, मैंने सिर्फ प्यार ही किया है ना, हा? प्यार में पागल हो गया बस इतना ही ना। नहीं नहीं नहीं, वो पागल हो गया, यही बात है ना, हा? तो फिर इसमें गलत क्या है? अगर अच्छा लगता है तो हाँ कह दो, नहीं तो फिर ना कह दो। हम दोनों तुम्हारा रोज पीछा करते हैं, पता है पेट्रोल का रेट क्या हो गया है? देखो इसमें किसी पंचायत की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें वो पसंद है तो अभी के अभी हाँ बोल दो। अगर वो बोल सकती तो कब का बता देती। मतलब वो बोल नहीं सकती है। ये क्या बोल रही है? वो कह रही है उसे किसी से प्यार नहीं है, वो किसी से प्यार नहीं करती, और अगर इसके पापा को पता चला तो इसकी पढ़ाई छोड़वा कर इसकी शादी करा देंगे। बड़ी मुश्किल से वो अपने चाचा के पास आई है पढ़ाई करने। मेरी रिक्वेस्ट है उसे अकेला छोड़ दो और परेशान मत करो। वो मानी ना? अरे ये प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती और इसके पापा भी नहीं मानेंगे। तू भूल जाता। तू चुप रह। देखो तुम मुझसे प्यार करती हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारे पापा को अकेला देख लूंगा, बाकी सब जो होगा वो भी संभाल लूंगा। अरे शी इज अ डंप। अरे तू गुस्सा मत कर यार। ए, देखो तुम मुझसे प्यार करती हो तो मुझे अभी ही बता दो, रोज रोज तुम्हारे पीछे घूमने के लिए मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। अरे डंप मतलब जो बोल नहीं सकता। ये गूंगी है बेचारी, बोल नहीं सकती। देखो तुम मुझे पसंद करती हो तो बता सकती हो, आगे जो भी होगा मैं संभाल लूंगा, बस तुम हाँ बोल दो। चुप हो जाए, अब जो हो गया सो हो गया। मुझ में ऐसी क्या कमी है यार, उसने तो उस बोने को पसंद कर लिया। मैंने उसे सब समझा दिया है दोस्तों, अब वो भागने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब वो भागने के लिए भी रेडी है? किसी भी वक्त एकदम रेडी है, अगर मैं कहूँ तो वो भागने के लिए तैयार हो जाएगी। डाउट है क्या? नहीं रे भाई। अरे मेरे भाई तू रो क्यों रहा है? नहीं यार, तेरी लव स्टोरी इतनी इमोशनल है कि मेरा दिल भर आया और आंखों से आंसू निकल गए। तो कल का क्या करें, शादी की तैयारी करवाते हैं? तैयारी कर, देखते हैं कौन रोकता है। तेरी शादी हो कर रहेगी। अब तेरे आंखों से आंसू क्यों आ रहे? अबे ये तो इस सिगरेट की वजह से। सिगरेट से आंखें जल रही है क्या? मैं जानता हूं तू क्यों रो रहा है। क्यों बे?
मेरा दर्द तुझसे देखा नहीं गया और मुझे रोता देख के, और मेरे दर्द में तेरा भी दिल भरा है और तुझे भी रोना आ गया। दोस्ती फ्रेंडशिप इसे कहते हैं, असली दोस्त तू मेरा असली दोस्त है यार। अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इतना सब बोलने के बाद भी तुम लोग बाज नहीं है। काम चोर कहीं के, तुम्हारे जैसे निकम्मों के डर से मैंने अपनी बेटी को दूसरे गांव में पढ़ने के लिए भेजा, तो तुम लोग वहां भी जा पहुंचे और उसकी शादी करना चाहते थे ना? हैं? अब देखते हैं जेल से बाहर कैसे निकलते हो कमीने। यस प्रोसीड। यस योर ऑनर। Your Honor, ये शादी माइनर्स के बीच में हुई है और माइनर्स की शादी करना इलीगल है, इसलिए इन्हें यहाँ से डिस्क्वालिफाई किया जाए। तुम्हारी तरफ से कोई लॉयर नहीं है? Your Honor, हम बैकवर्ड क्लास से हैं, Your Honor, हमारे पास तो लॉयर हायर करने तक के भी पैसे नहीं है। अगर आप चाहे तो हमारी तरफ से बोल सकती है। आप हमारी तरफ से बोलेंगी तो अच्छा होगा Your Honor। आप बोलिए। Your Honor, हम हमारा केस खुद ही लड़ना चाहते हैं। ठीक है बोलिए। Your Honor, ये किसी माइनर की शादी नहीं थी Your Honor। हाँ। उस लड़की के 18 साल पूरे हो गए थे, हमने डेट ऑफ बर्थ चेक करके ही शादी करवाई है Your Honor। पर अगर अपने पापा की बातों में आकर उस लड़की ने अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाई होगी तो उस बात की आपको छानबीन करनी पड़ेगी। आपको ये सारी बातें ध्यान में रख कर बिल्कुल सही डिसीजन लेना पड़ेगा। मुझे विटनेस को डराने की कोई जरूरत नहीं, जैसा कि उन्होंने कहा मेरी क्लाइंट मेजर ही है, उसके 18 साल पूरे हुए, पर जो माइनर है वो ये लड़का है। सारे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मैंने सबमिट कर दिए। बोला अगले ही महीने 20 का हो जाऊंगा और 20 तारीख को मेरा बर्थडे है योर ऑनर। सॉरी योर ऑनर, ये बात हमें पता ही नहीं थी, इसकी हाइट से हम लोग धोखा खा गए, हमने डेट भी नहीं पूछी। प्लीज दीदी, हम पर रहम करके ज्यादा कड़ी सजा मत सुनाइए। मैं वादा करता हूँ कि इस साल के फेस्टिवल में आप ही चीफ गेस्ट होंगी, आपको चांदी की तलवार देकर बहुत बढ़िया से स्वागत करेंगे। दो दो क्राइम करके तुम जज को ऑफर दे रहे हो, इसका अंजाम क्या होगा जानते हो? ठहरो बताती हूँ। पैंट टूट गया यार, अब हमको फांसी पे चढ़ा देंगे। मैंने फिल्मों में देखा पैंट टूट जाती है तो फांसी की सजा सुनाते हैं। क्या बात कर रहे हैं यार, लगता है जज ने हमें गुस्से में आके फांसी की सजा सुना दी, अब हम मर जाएंगे यार, इसकी वजह से हम भी फंसेंगे। मैं इतनी जल्दी नहीं मरना चाहता यार। मैंने पैंट तोड़ा नहीं है, वो टूट गया है। बेवकूफ, दूसरा पैंट दो। मेरी एक बार बात सुन लीजिए, तेरे मुझे ही छोड़ना प्लीज। चुप रहो। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए आईपीसी सेक्शन 365/366/496 के तहत दो अडल्ट आरोपियों को 7 साल की सजा सुनाई जाती है, उसी के साथ उनको 1,00,000 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। मुझे छोड़ दिए क्या? और दूसरे आरोपी को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत बाल अपराधी मानकर रिमांड रूम भिजवाया जाता है। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त है, मुझे डायबिटीज है तो मुझे कुछ चाहिए, एक सेपरेट सेल, बिस्लेरी वाटर, बिना शक्कर की चाय, और मेरे घर से खाना आना चाहिए, बस इतना ही है योर ऑनर। डू व्हाटएवर इट टेक्स, प्लीज गेट देम आउट।
You don't worry. I'll get them out. Yeah, thank you. Thank you. अभी तो काफी सारे लोग हमसे बहुत डरते होंगे, है ना? मैं भी यही चाहता था। अरे बाप रे, मैं तो बहुत डर गया था। ए, चलो जाओ यहाँ से, जाके कुछ अच्छी जिंदगी जी लो बाहर। ये तो ज्यादा ही बोल रहा है, टपका दो क्या? अरे ए भाई, अब तो तू चुप रहे, इसी वजह से हम लोग अंदर थे। अब चल यहाँ से। शादी हो गई क्या आपकी? क्या कहा? पहले हमको अंदर डाला और फिर खुद ही हमें बाहर निकाल कर लाई। ये आपने किसी के साथ बैट लगाई है क्या? बैट नहीं, ब्रेड एंड बटर। क्या ब्रेड के लिए? मतलब रोजी रोटी। ओ। पहले वो मेरे क्लाइंट्स थे इसलिए तुम लोग अंदर हुए, अब तुम लोग मेरे क्लाइंट्स हो इसलिए तुम बाहर। सिंपल। इन्होंने तुम्हारी बेल करवाई। मीट मिस्टर पीटर एंड मिस श्री। हाय। हाय। हेलो। हेलो। इस साल होने वाले फंक्शन में आप चीफ गेस्ट होंगी। इनके लिए सिल्वर क्लब और चंदन का हार फिक्स हो गया। हम यहाँ पर गेस्ट बनकर नहीं आए हैं। आई टेल यू अबाउट द पर्पस लेटर, तब तक आप रेस्ट कर लीजिए। कब से अंदर आराम ही तो कर रहे थे। अब हमें घर कौन ड्रॉप करेगा? एक्सक्यूज मी, मैं एक लॉयर हूँ, टैक्सी नहीं। मैं सिर्फ लोगों को अंदर भेजती हूँ। तो फिर लिफ्ट करा दो मैडम। भारत भैया, कैसा है तू भाई? मैं जब जेल में था तो एक भी इंसान मुझसे मिलने नहीं आया, और अब मेरे सामने मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हो। अरे जो लोग मर्डर करते हैं वो लोग भी अंदर होते हैं, लेकिन उनके लिए घर से चिकन बिरयानी भी आती है। अरे बिरयानी छोड़ो, दाल चावल तक नहीं दिया मुझे। गांव वाले मुझे कह रहे थे कि तुम दोनों जेल में हो, मैंने उनकी बातों पे विश्वास नहीं किया। माँ, ऐसी बातों पे हमें यकीन कर लेना चाहिए। पेड पब्लिसिटी, जब हम फेमस हो जाएंगे ना तो फेसबुक पे ये सब डाल के हमें लाइक्स भी मिलेंगे, समझती हो कि नहीं? ये सब करवाने की क्या जरूरत थी? क्यों शादी करवाने चले थे तुम? मैं तो सिर्फ हेल्प कर रहा था, किसे पता था उसका अंजाम इतना बुरा होगा। हेल्प, तुम्हारी बहन बड़ी हो रही है, इसकी शादी करवानी है। अरे तुम्हें हेल्प करनी है तो इसमें हमारी हेल्प करो ना। पर नहीं, किसी और की बेटी को भगाने में हेल्प करने गया था। तू क्या हेल्प करेगा? निकम्मा कहीं का हेल्प करेगा। बेटी तो आपकी है ना, तो इसके शादी की चिंता भी आपको ही करनी चाहिए। ये जिम्मेदारी तो बाप की होती है, हाँ? खा बेटा। हाँ? ये क्या माँ, सिर्फ दो पीस? अरे बेटा, मैं तो सीरियल देख रही थी, पता है मैंने क्या देखा? उसमें ना देवी माँ झाड़ के ऊपर बैठी थी और नीचे बड़े बड़े शेर देवी माँ को खाने के लिए बैठे थे। ए, बुढ़ापे में दिमाग खराब हो गया है? सीरियल मत देखा करो, मुझे नहीं चाहिए, तुम ही खा लो, ये लो। जेल से आने के बाद भी कोई टेंशन कोई शर्म नहीं है इस लड़के को, जरा देखो इसे, लगता है जैसे बिग बॉस की ट्रॉफी जीत ली हो। जी, वो लड़का यही है। चिल ब्रो, चिल। मैं तुम्हारी फीलिंग्स को अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं इन चीजों से गुजर चुका हूँ। जब उसकी शादी किसी और से तय हुई तब से मैंने उसके बारे में सोचना ही बंद कर दिया। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था ब्रो। ब्रो, रोज सुबह उठकर काम पर जाने के लिए इसी रास्ते से जाना पड़ता है। फिर भी नहीं आना चाहिए था। हम जिससे प्यार करते हैं उसकी नजर में हमें मास्टरपीस बनकर रहना चाहिए, वरना तुम कॉमेडी पीस बन जाओगे। ब्रो, और जो लोग शादी के बाद प्यार करते हैं वो कौन से पीस होते हैं? रेस्ट इन पीस हो जाओगे।
अरे दामाद जी अंदर आ जाओ, ऐसे लोगों से क्या बात करनी। लेकिन ये तो व्हाइट है। सुन तो ले, यहाँ से 30 किलोमीटर पर एक सुरंग बनाई हुई है। यहाँ हमें अंडरग्राउंड होना है। इफ दिस इज क्लोज्ड यू गाइस हैव टू ब्रेक इट। यहाँ आने के बाद हम सीधा टेंपल के अंदर जाएंगे एंड हियर इज द तिजोरी पॉइंट। और इसी तिजोरी में करोड़ों रुपए के स्टैचूज है जो हमें चाहिए, और इसीलिए हमने तुम दोनों को जेल से छुड़वाया है, क्योंकि टेंपल से कुछ चुराना वो भी हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल है। और तुम दोनों को तुम्हारा शेयर मिल जाएगा। ओके, तो हमें कितना मिलेगा? से लाइक 10%। 10% देगी? अरे जाओ जाओ आराम करके आओ। 10% चल चल अरे, रुकना। क्या हुआ, क्या हुआ तुझे? इससे ज्यादा तो हम पत्ते खेल के कमा लेंगे, नहीं चाहिए। चल खेलोगे तब ना जब मैं जाने दूंगी। पीटर फिनिश देम। अबे हमको ही खाना है, जाओ मैं फिनिश करेगी। पागल है, कुछ भी बोलती है, दोनों की सटक गई है। बाहुबली अमरेंद्र, बाहुबली अमरेंद्र, बाहुबली। तुझे वो गोली लगी है क्या? अमरेंद्र बाहुबली, नाउ यू गेट अप, नाउ यू गेट अप, व्हाट अबाउट यू, कम ऑन, रन। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुन, अगर वो फॉरेन से हमें छुड़वाने के लिए आई है तो जरूर उसका कोई बहुत बड़ा मकसद हो सकता है। चल हम लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसकी जो भी डील है वो मान जाते हैं। हमारे लिए सिर्फ पैसा इम्पोर्टेंट है, समझ गया ना? पर ये तो आ भी गई है। चल आजा, आजा, आजा। सॉरी मैडम, लेट हो गया थोड़ा सा। इट्स ओके। लुक एट दिस, दिस इज अ ब्लू मैप। बाहुबली, व्हाट हैपेंड? ए, क्या हुआ तुझे? ए, मैंने तुझे अपने सपने के बारे में बताया था ना, उसमें भी सेम टू सेम ऐसे ही होता है। वहाँ टनल था, ये भी अंडरग्राउंड है, ऐसा ही कुछ तो लग रहा है। अब देख गन निकालने के लिए हाथ पीछे करेगा वो। अबे, वो तो बस पिछवाड़ा खुजा रहा है। चला जा। ए, नहीं चल, यार। आजा। What happened? आप बताइए ना, हम सुन लेंगे। ये सब हर रोज मुझे सपने में दिखता है। This one, this one. What happened? Why did you scream? Is it that same dream? I'm getting those dreams again and again. Thank you.
ए मेमोरिया पैरे तेरी ई विस्ता। That's her memory from a past life. वो उसके पिछले जन्म की जिंदगी के बारे में है। Elenum inquanati et educati vita। तुमने पिछले जन्म में किसी और देश में किसी और रूप में जन्म लिया। It mortis is casus ite। यही मानना है कि तुम्हारी मौत का कारण एक्सीडेंट से हुआ होगा। Ye masti questas vestri retrumembris। तुम्हें तुम्हारे पिछले जन्म की यादें वापस मिल रही है। इस ब्रह्मांड में पृथ्वी का एक विशेष स्थान है। इसी भूमि पर हर एक जीव का जन्म और मृत्यु निश्चित है। उसी तरह मनुष्य का जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म होता है। You know, this is all about my past life and this is probably my experience। जब मुझे पता चला कि मेरी भी कोई पूर्व जन्म की कहानी है तो उससे जुड़ी मैंने बहुत से वीडियोस देखी। I read lot of books as well। और मेरे ड्रीम में सारी जगह इंडिया से थी, कर्नाटका में। और फिर मैंने समझ लिया, उसी दौरान मैंने हिंदी भी सीख ली। और फाइनली आई फाउंड द स्टैचू एट त्रावणबेलगोला। इस स्टैचू का मुझसे कोई ना कोई ताल्लुक तो जरूर होगा। वेल, वाटर, ये सब मेरे सपने में आते हैं, पर क्यों? पर मैंने ठान ली कि मैं इसका सच ढूंढ कर रहूंगी। Finished. पीटर, प्लीज। पीटर इन सब बातों में विश्वास नहीं करता। After that, मेरे सपनों का पीछा करते करते मैं यहाँ आ गई। I want to know how I died in my past life। अगर वो मेरे माँ बाप जिंदा है तो इस सब के बारे में मैं आसानी से पता लगा सकती हूँ। जब मैंने सुना तुम लोगों को जेल कैसे हुई, तभी मुझे लगा तुम लोग हेल्पिंग नेचर के हो। आई नीड सपोर्ट, प्लीज हेल्प मी आउट गाइज। मैं सिर्फ हेल्प नहीं मांग रही, तुम मुझे सिर्फ कीमत बताओ, आई विल पे यू। But one condition, जब तक मुझे पता नहीं चलता, you guys have to be with me, okay? Hey, ये पुराना जन्म वोराना जन्म कुछ नहीं होता। चल इसे पीछे वाले मंदिर में ले चलते, वहाँ दो फटके पड़ेंगे ना, सारा का सारा देवा बाहर निकल जाएगा इसका। देवा? What's that? हाँ, देवा, भूत भूत, ghost ghost, ghost. हाँ. Where? Inside her. Ghost inside her. Yes. Man, you're so funny. Please stop making fun of us. क्या हुआ इधर? अच्छा, हाँ मेरे साथ। क्या हुआ? देख, हम चुपचाप उसकी बात मान लेते हैं, वरना वो मंदिर वाला पैसा ले जाएंगे और हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, समझा? क्या तकलीफ है तेरी? बात तो सही है तेरी। चला जा। हाँ चल। आ श्री, देखो मैं। श्री मैडम। It's okay, you can call me श्री। तुम कहाँ रह रही हो? लॉज। वो लॉज? हमारे गांव वाला लॉज। इतनी सस्ती जगह पे कैसे रह सकते हैं तुम लोग? चलो हमारे गांव में चलो, वहाँ मशीन हाउस है, वहाँ पर रहना अच्छे से। मशीन हाउस? यस। See this house? This is called machine house. Okay. Did you like it? Where is the restroom? See, go inside around and that side water. You go there and wash there. Hey, इसे वहाँ मत भेज। ये सारे फॉरेन प्रोडक्ट इस्तेमाल करके ही हमारी खेत की फसल खराब हो जाती है। ये पीछे गया तो फसल वैसे ही खराब हो जाएगी। एक काम करो। पीटर, that machine house no, back side, there is a small restroom. You go there, rest there, sleep there. Nice it is. This house is already so small. It's okay, Peter. Indian villages are like that. We need to adjust. I kind of like this place. It's okay. Okay, fine. Madam, madam, हमें ड्यूटी पर कब से ज्वाइन होना है? कौन सी ड्यूटी? वो बैग को ढूंढने के लिए। What? और वो बैग स्टोरी पास्ट। Tomorrow. Okay. तो पीछे हट। श्री, यहाँ पर रात में आवाजें आती है डरावने जानवर की, तुम डरना मत। There is animals, two legs. Really? What kind of animals? You mean tiger? वो नहीं रे, केकड़े। Big mouse. I'll fry it and eat it. खा के मर जा। What? I don't know what he said. Please call me anytime. Okay. Take rest. Bye. See you tomorrow. Bye. ये कहाँ है और कौन है, पर यही आज मेरे सपने में आया था। क्या गारंटी है कि ये सब तुम्हारे पिछले जन्म से ही जुड़ा हुआ है?
अभी तुम भगवान की फोटो बनाओगे और बोलोगे ये मेरे सपने में आता है, इसको ढूंढ के लाओ, तो हम लोग कहाँ से ढूंढ के लाएंगे? गाइस, यू हैव टू बिलीव मी, दिस ड्रीम्स हैज सम कनेक्शन विद माय पास्ट। मैं तुम्हें इसी काम के पैसे दे रही हूँ, सो यू गाइस हैव टू डू इट। काका, कुछ याद आ रहा है? नहीं। क्या हुआ है भरत, क्या है ये? अबे तेरे तो दांत भी नहीं है, जा पहले जाके दांत लगा। क्या ओ स्पाइडरमैन, जरा बता ये नाक किसकी है? राजकुमार। राजकुमार? ए, जरा अच्छे से देखना। राजकुमार। पागल कहीं का, ढूंढते रहो, बहुत अच्छा है। ओके ओके, वो तुम्हारे पेरेंट्स को हर जगह पर ढूंढ रहे हैं, पूरे जुनून के साथ रात दिन एक कर चुके हैं। गुड गुड। या भारत, व्हाट इज दिस? दिस इज मॉडर्न किसान की सोच। स्केयरक्रो? हाँ, यस। वाओ, या यू इंडियन फार्मर्स, सेक्सी सेक्सी। काकी, आपके घर से कोई 5 साल की लड़की मर गई थी क्या? क्या बोला तू? रुक, अभी बताती हूँ। मैडम, बेबी, गाइस रन। ये ले। दोबारा दिखे तो छोड़ूंगी नहीं। दीदी, आपके घर में कोई बच्ची? Hey, please be quiet. No more questions. Hello. श्री, I'm searching. जल्दी आओ, मुझे अभी सपने में आंखें दिखी, मैं ड्रॉ कर रही हूँ। तुम अच्छे से ड्रॉइंग बनाओ, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। तुमने पी रखी है क्या? हम अपने बाप के पीते हैं, तुम्हें क्या? God, idiots! मैं श्री बोल रही हूँ, जल्दी आओ, मैं उसकी आंखें निकाल रही हूँ। ड्रॉइंग छोड़, तेरे को दूसरा कोई काम धंधा नहीं है क्या? Come tomorrow, I'm gonna fire you both. You and your past life. Oh, God! What happened, Shri? Why are you so upset? I've been trying their phones and both their numbers are switched off. Obviously, these guys are frauds. भोले भोले हर राज को खोले, तुम्हारे दिल के राज को खोले, भोले सब जानता है, भोले दरवाजा खोले, भोले भोले मैं हूँ भोला जिसने हर राज खोला। जो भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वो सब राज भोला जानता है। तुम्हारे मन में क्या है, तुम्हारे दिमाग में क्या है, सारे राज पता है मुझे। Who's that guy? What is he shaking? I don't know. Are you English people? Mm-hmm. Lady Shri, this is Bhavar ka Bhola. Now what I am telling you, go futurely happening, go. I am freelancer astrologer. I can tell your past and future. Really? Bullshit. Lady, you died in the water. That's a very big matter. Oh my God, is it true? Lady, Burbur ke Ramanna always telling you true, Amma. Good news are coming to you, Amma. Very, very soon, Amma. Oh my God, what is it? Lady, Burbur ke Ramanna telling you very true, Amma. तुम दोनों कहाँ थे? कल रात से तुम दोनों का फोन स्विच ऑफ है। तुम्हारा ही काम कर रहे थे, हमें गुड न्यूज भी है। This guy just told me I will have a good news today. तुम्हारे लिए सरप्राइज है। सरप्राइज? What's that? Backside. Come that side, I will show you. I mean, I will tell you. आइए, please come. माँ, जरा देखो तो कौन आया है? अरे चाचा, कैसे हैं? सब ठीक है ना चाचा? टाइम टाइम पे दवाई ले रहे हैं ना आप? देखिए कौन आया, हमारी गीता आई है। श्री, तुमने इन्हें पहचाना?
I don't know. वो फोटो देखो किसकी है, पहचानो जरा उसे. Who's that? मौसी, उस फोटो के अंदर कौन है ये आप ही बता दो. आओ बेटी, इस फोटो में जो है वो मेरी बेटी गीता है. वो 2 साल की थी जब हमने ये तस्वीर ली थी. जब वो हमें छोड़कर चली गई तब वो 6 साल की थी. वो कुंभ के मेले में खो गई. के बाद भी वो हमें कहीं नहीं मिली और आखिर में कुएं के अंदर हमें उसकी लाश मिली. उसकी मुस्कान कभी नहीं भूल सकते. वो मेरी इकलौती बेटी थी. उसी के बारे में सोचते सोचते इनको पैरालिसिस का अटैक आया. हमारे घर सिर्फ यही काम किया करते थे. हमारे पास जो कुछ भी था हमने सब कुछ बेच दिया. उसकी वजह से हम किसी तरह जी रहे हैं और हमारी बेटी ने फिर से जन्म लिया है. हमें तो विश्वास ही नहीं हुआ. हमारे पंडित बोलते थे शोक मत मनाओ, रो मत, तुम्हारी बेटी दूसरा जन्म लेके फिर से आएगी. गीता, आज तुम्हें देखकर मेरा दिल कहता है तुम ही मेरी बेटी हो, तुम ही मेरी बेटी हो. गीता, I can feel it. You are my mother. देखो जी, देखो तो हमारी बेटी गीता, गीता आ गई हमसे मिलने के लिए. डैड, डूब ही जाती. ताना ना ना
जल्द ही आकर आपको और डैड को यहाँ से दूर लेकर जाऊंगी, फिर आपको कहीं जाने नहीं दूंगी। श्री, ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारे पापा को ऑलरेडी एक अटैक आ चुका है, तुम्हारी माँ भी पागल है। पागल? हाँ, तुम्हारे जाने के बाद तो ये पागल हो गए थे, अभी अभी ये थोड़े से ठीक हुए हैं। और गांव में इनका घर है, जमीन है, सब कुछ यहीं पर है। डॉक्टर के पास जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, क्यों भरत? पर मैं नहीं रहूंगी तो इनका ध्यान कौन रखेगा? उसके लिए हम है ना, हम ध्यान रखेंगे इनका। हमारे हेल्पिंग नेचर के बारे में तो तुम्हें पता ही होगा श्री, और फॉरन में तो ऐसे बंदे टिकते नहीं है, क्यों? सही कहा ना? हमारे गाँव में जो है सारे लोग ऐसे ही रहते हैं, उनके बच्चे फॉरन में रहते हैं और हर 3 साल में एक बार मिलने के लिए चले आते हैं, जैसे दिवाली दशहरे के अवसर पर एक एक सेल्फी लेके पोस्ट करते हैं और वापस चले जाते हैं, पर अकाउंट में पैसे जरूर डालते हैं, है ना मौसी? हाँ बेटा, हमें फॉरेन नहीं देखना, बस तुम आ गई हो वही बहुत है। देखो तो, तुम बोलती हो तो तुम्हारे पापा को कितना अच्छा लगता है, उन्हें कितनी खुशी होती है। अरे अंकल, आपकी बेटी यहीं पे है, कहीं नहीं जाएगी, यहीं पर है वो। क्या हुआ? बेटी की आवाज सुन के दिल पर आया तो फिर? डोंट वरी मॉम, मैं वापस जाऊंगी, डॉक्टर से मिलूंगी और इनके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट ढूंढूंगी। आई एम विथ यू। जैसी माँ वैसी बेटी। Hi Dad. Hi Shri. Dad, I found out about my parents from my past life. What are you talking about, Shri? Yes, Dad, I know everything right now. I even know how I died. What's to do? Dad, are you there? Dad. उसमें मैं हीरो हूँ और डायरेक्शन तुम दोनों कर लो। दूध चावल की बात है, दूध चावल की बात है। फालतू बातें मत कर, तू दारू पी और निकल चल। अच्छा। Hey, Tony, इधर आ। आया भाई, ये मैं लेता। Hey, तुझे प्रॉब्लम पूछने के लिए बुलाया, दारू पीने के लिए नहीं। भाई, उन्होंने मुझे दोनों रोल दिया है भाई, कैमरामैन का रोल भी और रिपोर्टर भी। भाई, मेरी माँ बहुत बीमार है, मैंने कहा मुझे एक दिन दे दो, मैं गांव जाकर वापस आ जाऊंगा। तो कहते हैं कि ऐसी न्यूज लाओ जो पूरे एक दिन तक चले, फिर चले जाना। तू पी ले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब मैं ऐसी न्यूज कहां से लेकर आऊंगा भाई, कोई मुझे न्यूज दे दो। रिपोर्टर की तो खुद की दुख भरी स्टोरी है बेचारे की, इनको सिर्फ दूसरों की स्टोरी बतानी पड़ती है पर उनकी खुद की स्टोरी कोई नहीं सुनता। Hi Dad, good morning. Hi. अरे अरे अरे, देखो जी, तुम्हारा हाथ तो ठीक हो गया। श्री, चमत्कार हो गया, तुम्हारे पापा का हाथ और मुंह तो दोनों ठीक हो गया। Can you guys please stop it? I have never seen such tremendous actors in my life. Hey, don't act smart. I will make your hand like this for the rest of your life. आपको ये करने की क्या जरूरत थी? मैंने आप लोगों पर कितना भरोसा किया था। मैंने उनको बताया हमसे ये सब नहीं होगा, पर वो भरत और बाहुबली, उन्होंने हमें ऐसी लालच दी कि हर महीने पैसे मिल जाएंगे, इसलिए हम मान गए जल्दी से। पर तुम्हें कैसे पता चला? अब हर किसी को उल्लू नहीं बना सकते हो। पीटर, लेट्स गो। गुड एक्टिंग, कीप इट अप। Crazy guys. Frauds. Hey, frauds are not born, they are made. इसके stupid पुरानी जन्म की story सुनकर ही हमें ये idea आया। मुझे कोई explanation नहीं चाहिए. Now get lost. हम क्यों जाएं? वो machine house हमारा है. भाड़ा दो और जाओ. What's the rent? 10,000 per day. Huh? What? हाँ. 10,000? हाँ. Why are you giving rent to these frauds? They have been to a jail, and India needs more jails for guys like these. All Indians are frauds. Hey. मेरे इंडिया के बारे में कुछ मत बोलना। पीटर, डू नॉट स्पीक अबाउट इंडिया लाइक दैट। व्हाई आर यू सपोर्टिंग इंडियंस? आई एम एन इंडियन। यू आर एन इंडियन? यस डैड, डैड, आर यू देयर? श्री, दे आर नॉट योर पेरेंट्स।
Someone is fooling you. Dad, are you serious? Did you actually lie to me? Didn't the astrologer agree to it? No, dear. We asked astrologer to lie to you. The truth is that you are not our daughter. Mom, what are you talking about? Who am I if I'm not your daughter? You are from India. We found you in a whale. When we were traveling to India, we saw that incident. Someone was trying to kill you. Oh dear, it may have been your real father. Because in India, female infanticide were in vogue. And we protected you and got you with us. एक गहरे घाव की वजह से तुम्हारी याददाश्त चली गई थी, इसलिए ये बात हमने तुम्हें नहीं बताई ताकि तुम्हें वो बातें याद ना आए जिससे तुम्हें तकलीफ न हो। उसके लिए सॉरी। We are sorry. So, you are an Indian. I am. Hey, मैं तो देखते ही समझ गया था कि अमेरिकन नहीं इंडियन है। ये इतनी गोरी जो है, मुझे लगा फॉरेनर ही होगी। तो तुम बता दो कि तुम कहाँ से हो, शायद तुम मेरे कोई चाचा या मामा की बेटी निकलो। I don't know. I still need to find out. हाँ? You still have to find out with these guys. It's okay. No problem. Stay with these guys. I thought only they are frauds, but now I realize it's your mother, your father, your entire family. Peter, enough. Don't speak anything about my parents. I will talk. Then why did they lie to you? Your entire family is a fraud. Enough is enough, Peter. Get out of my life. Okay, I will leave and never come back. Go to hell. I'm leaving tomorrow. अगर कोई पेमेंट बाकी है तो बताओ, आई विल पे यू। एनीथिंग एल्स? इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, मेरी है। मैंने तुम पर भरोसा किया। बट आई वांट टू आस्क यू समथिंग, डू यू नो द मीनिंग ऑफ सैक्रिफाइस? तुम दोनों के नाम भरत बाहुबली है, बट यू गाइज आर नॉट वर्दी ऑफ योर नेम्स। प्लीज चेंज इट। व्हाई यू गाइज लाफिंग? तुम्हें उनकी स्टोरी पता भी है? इस पूरी दुनिया को युद्ध में जीता अयोध्या के राजा भरत चक्रवर्ती ने। उन्होंने अपने भाई बाहुबली के राज्य का खात्मा करके वहां के महाराजा बन गए। बाहुबली को हार मानकर गांव छोड़कर जाने का संदेशा भेजा गया। भरत के इस अहंकार से बाहुबली ने क्रोध में आकर भरत को रणभूमि में आने की चेतावनी दी। दोनों ने युद्ध के लिए सहमति दे दी। युद्ध में सारे सिपाही और मासूम जानवरों को मारे जाने के डर से दोनों राज्य के मंत्रियों ने दोनों महाराजाओं का सामना कराया। उसके मुताबिक पहला युद्ध था नेत्र युद्ध। बाहुबली की तेज नजर से भरत नजर नहीं मिला पाया और उससे हार मान ली। दूसरा युद्ध था जल युद्ध। बाहुबली के अपार बल के सामने भरत यहां भी हार गया। और तीसरा था बल युद्ध।
कुश्ती में भी अपने बल का प्रयोग करके जब बाहुबली जीतने ही वाला था तब उसे याद आया वो किससे युद्ध करने जा रहा था। इतना बड़ा साम्राज्य किसका है? भाई, अपने भाई का। भरत चक्रवर्ती उसका सगा भाई था। उसका अपना एक परिवार था। लोगों के दिलों में बाहुबली सिर्फ एक लालची भाई बनकर रह गया था। भाई जिससे उसका खून का रिश्ता था उसे सिर्फ किसी राज्य को बचाने के लिए मार नहीं सकता था। दोनों राज्य के महाराजा बनने के लिए ही ये युद्ध था। क्या सिर्फ दौलत और शोहरत जैसी चीजों के लालच में वो अपने भाई को मारने चला था? कितना बड़ा अपराध करने जा रहा था। अपराधी होने के डर से उसने अपने भाई को पीछे रखा और फिर वो अपने ही भाई को मुंह दिखाने तक को तैयार नहीं था। बाहुबली का राज्य, दौलत, मान मर्यादा सब उसने अपने भाई को समर्पित कर दिया। खुद से लड़ाई भरत को समझ नहीं आई। उसने पीछे से चक्र फेंककर अपने ही भाई की हत्या कर दी। बाहुबली जिसने अपने भाई के लिए सब कुछ त्याग कर दिया उसी भाई ने उसकी जान ले ली। बाहुबली की हत्या होने के सालों बाद भी कई वर्षों तक बाहुबली का नाम दोनों राज्यों में गूंजता रहा। बाहुबली ने दूसरों के लिए अपना त्याग कर दिया। तब से वो अमर हो गया। अंकिता, अंकिता, दरवाजा खोलो। अंकिता, अंकिता, दरवाजा खोल बेटी। दरवाजा खोलो अंकिता। अंकिता, अंकिता, कुछ तो बोल बेटा, क्या हुआ है? अंकिता, 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 क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो?
छोड़ो मुझे। क्यों कर रही हो हाँ? क्या हुआ, क्या करने जा रही थी? बोल, क्या हुआ है? बताओ बताओ बेटा, क्या हुआ है? ये क्या कर रही थी बेटा तू? तुम ऐसा क्यों कर रही थी बेटा? ऐसा नहीं कर रही बेटी। सिलेक्शन हो गया ना, बॉर्डर पे मिलते हैं, चल। साथ रहे अब यादें, दिल में बसे कुछ यादें, छल करे दिल को यादें, अब साथ छोड़ कैसे यादें, जो देश पे कुर्बान हो जाएगा। से कुछ यादें, छलनी करे दिल को यादें, अब साथ छोड़ कैसे यादें। से कुछ यादें, छलनी करे दिल को यादें, अब सब छोड़ कैसे यादें।
I'm coming back. वो सब ठीक है लेकिन तू बाहर कैसे है? मेरी लवर ने मुझे बाहर निकाला। ओ, तेरी वो एक्स? उसके और उसके पति ने दोनों ने मेरा बेल करवाया। तेरी एक्स तो कमाल की है यार, लेकिन ये बीच में दिलदार आदमी कौन है? तुझे क्या लगता है तेरे जैसा निकम्मा होगा क्या? ले ले फौरन का माल है पी ले। अरे तू तो हमेशा घटिया माल पीता है, ये अचानक विदेशी कहां से पीने लगा? तू पीना यार। फौरन का पैसा है इसलिए। अरे भरत तू कहा था, हम तो पूरा दिन तुझे ही याद कर रहे थे। ये ले फौरन की दारू है, पीले पीले। पिलाने के अलावा तू और क्या करता है? मशीन हाउस से बहुत पैसा कमा लिया ना तूने? ए कैसी बात करता है यार, एक फुटी कौड़ी नहीं है। ये दारू भी उस फॉरेनर के पैसे से लाया हूँ मैं। तुम दोनों ने क्या नया बिजनेस शुरू किया है? फॉरेन वाली बातें हो रही है, मुझे भी अपने बिजनेस में ले लो। जब से मैं जेल से छूट कर आया हूँ ना, कोई मुझे अपने पास भी नहीं लेना चाहता। कोई दुकान पे भी जाता हूँ ना तो लोगों को लगता है मैं बहुत बड़ा गुंडा हूँ। अरे ये तो अच्छी बात है ना, तेरे नाम से हम लोग हफ्ता वसूली करेंगे। तेरी हाइट जरूर छोटी है लेकिन हम तुझे बड़ा आदमी बना देंगे। ऑलराइट ना? किसी को इस्तेमाल करने से, किसी और के पैसे हड़पने से बता क्या मिलने वाला है तुझे? तुझे सच में कुछ कमाना है ना तो इज्जत कमा और कुछ नहीं। सीधे सीधे बोलना, ये क्या बकवास कर रहे हैं? श्री वापस चली गई। What's your problem? मैंने रेंट के सारे पैसे बाहुबली को दे दिए थे, अब क्या चाहिए? Sorry, श्री। It's okay. मैंने कहा ना, सारी गलती मेरी है। मैं अभी वापस जा रही हूँ, so please let me go. तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। पैसों के लालच में हमने तुम्हें धोखा दिया, पर अभी मुझे मेरी गलती का पूरा एहसास हो गया है श्री। देखो मुझे बस एक चांस दो, मैं खुद तुम्हारे माँ बाप को ढूंढ निकालूंगा। तुम्हें ये ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, ना ही मुझे कोई परिवार चाहिए। I don't trust you guys anymore. हम लोग जब जेल में थे तब जेल से हमें क्यों छुड़वाया? उस वक्त भी तो गलती हमने की थी ना? हा? सारे गांव वाले हमसे नाराज थे, तब तुमने हम पर ट्रस्ट किया। पता है क्यों किया? क्योंकि तुम्हारी पास्ट लाइफ स्टोरी सुनने के लिए और कोई नहीं था, सिर्फ मैं ही था। हाँ मैं नाटक जरूर कर रहा था, पर फिर भी तुमने विश्वास किया। एक बार धोखा देने के बाद कौन भरोसा करेगा तुम पर? Do you think I'm dumb? मर्डर किए हुए गुनहगार भी सजा काटने के बाद उनका अच्छा बर्ताव देखकर अच्छी जिंदगी जीने का चांस दिया जाता है। उसी तरह हमको एक और चांस दे दो श्री, प्लीज सिर्फ एक चांस दे दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारी खोई हुई फैमिली मैं ढूंढ के लाऊंगा। प्लीज एक चांस दे दो श्री। यार तब तक के लिए तो हम लोग एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं ना, अच्छा है कि किसी के लिए काम आ जाए। मैंने उसे प्रॉमिस किया यार, मैं उसकी फैमिली को ढूंढ निकालूंगा। मैंने उसे कोई पैसे भी नहीं मांगे, बस इसमें मेरी हेल्प कर दे। हाँ भाई करेंगे ना, जरूर करेंगे। लेकिन मेरे को एक बात बता, तू यहाँ पे क्यों आया है? क्यों? वो मुझसे प्यार करती है ना? ए पीने के बाद तू होश में नहीं रहता ना? ए तुझे कुछ नहीं पता, जब मैं मशीन हाउस की चाबी देने के लिए गया था ना, वो मुझे ही घूर रही थी। हाँ वो भी सिंगल और मैं भी सिंगल, दोनों सिंगल मिलके मिंगल होते मशीन हाउस में। मैं तो जा रहा हूँ, मजा आएगा। अबे कहाँ जा रहा है तू? यार तेरा रोमियो तेरे पास आ रहा है। प्यार तो उसे हुआ है ना, तू क्यों आंसू बहा रहा है? सिगरेट की वजह से। हफ्ता लेने कब जाए बताओ? हफ्ता चाहिए तुझे, हफ्ता चाहिए। बाहुबली अब रो क्यों रहे हो? मुझसे गलती हुई है, एक मिनट। ये लो। What is this? ये पैसे हैं जो तुमसे लिए थे, बाकी के मैंने दारू में उड़ा लिए, इतने ही बचे। ये लो। मैं तुम्हें ये पैसे कैसे लौटाऊंगा पता नहीं। हाँ एक आइडिया है, मैं अगले जन्म में तुम्हारा लवर बनूंगा। बाहुबली व्हाट आर यू सेइंग? ए चुप रहो, कितना इंग्लिश बोलोगे तुम अभी? हाँ
अब तो तुम इंडियन हो ना, अब तो हिंदी में बात करो, इसकी वजह से लव स्टोरी आगे नहीं बढ़ रही। एक राज की बात बताता हूँ, किसी को मत बताना। कौन सी बात? मेरे पापा दारू पीते, मैं भी दारू पीता हूँ। शादी के बाद तुम भी दारू पी सकती हो, हम दोनों मिलके दारू पिएंगे, मम्मी को भी सिखाएंगे, पूरी फैमिली मिलके दारू पिएगी, बहुत मजा आएगा। घर बहुत छोटा है, तुम्हें उसमें एडजस्ट करना होगा। इस मशीन हाउस में तो तुम रानी की तरह रहती हो, वहाँ पर तो तुम एडजस्ट कर ही लोगी। हम सब मिलकर दारू पिएंगे, खूब मजे करेंगे, मजा आएगा। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया क्या? I don't know. I didn't understand anything. Okay. I will manage. क्या रेप? रेप अटेम्प्ट? तू किसी भी हालत में उसको अपना चेहरा मत दिखाना। अगर ये बात गांव तक पहुंच गई ना तो पता है ना तेरा हाल क्या होगा? भाई मैं तेरे पैर पड़ता हूँ। गांव में किसी को ये सब मत बताना, मेरी इज्जत का कचरा हो जाएगा यार, लोग मुझे पत्थरों से मारेंगे। प्लीज मत बताना किसी को। अबे मैं तो चुप रह लूंगा, लेकिन वो चुप रहेगी क्या? एक तो वो फॉरेनर है, अगर केस चला तो तू सीधा अंदर। गलती करने पे सजा मिलती है ना, तो मेरी गलती की सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए, लेकिन मेरी की गई गलती की सजा उसे नहीं मिलनी चाहिए। क्या बोला तूने? उसके लिए मैं जान भी दे दूंगा। ए भाई उसे जाने दे, तेरी कोई गलती नहीं है, ये सब कहानी तो मैंने ही बनाई थी ताकि तू उससे दूर हो जाए और हमारे बीच में ना आए। वो मेरी है, मैं उसे प्यार करता हूँ भाई, उसको छोड़ दे प्लीज। यार भरत उठ जा। गरीबों के लिए कसरत, अमीरों के लिए खुशी, ये जिंदगी भगवान ने दी है। हम कब मरेंगे और कब तक जिएंगे ये सब उसके ही हाथ में, हम तो बस कठपुतली है। वो मेरी है कह रहे हो। तुम कब मरोगे तुम जानते हो क्या? उससे शादी करके भी तो एक दिन मर ही जाओगे ना तुम। 4 दिन की जिंदगी है मेरे भाई, इसीलिए तो कहता हूँ बच्चा जिंदगी में साथ निभाता चला जा, तुमको धुएं में उड़ाता चला जा, जिंदगी एक जंग है, लड़ता चला जा। हाय श्री, ऑल माय फैमिली एंड ऑल माय रिलेटिव्स एंड ऑल माय फ्रेंड्स टेलिंग ओनली वन थिंग, सेटल इन लाइफ, सेटल इन लाइफ। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं लाइफ में सेटल हो ही जाऊंगा। अगर तुम्हारी हाँ है तो हम पंडित को पूछकर सारी विधि करवा देंगे, सिंपल मैरिज करेंगे। तुम्हें धूमधाम से शादी करनी है तो फॉरन में रिसेप्शन रख लेंगे, एनीथिंग ओके फॉर मी। हमने तुम्हें बहुत परेशान किया है, फिर भी तुम वापस आई हो, तो सिर्फ मेरे लिए आई हो। I know श्री, hope you understand। अरे अबे मार मत, प्लीज यार, अरे नीचे रखना वो। ए, तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ। किसकी आंखें हैं? यही आंखें मेरे सपने में आई थी, मैं तो उन्हें देखकर डर जाती हूँ, जैसे कोई क्रिमिनल हो। देखो, कभी किसी की आंखों में देखकर उनके पीछे की कभी फीलिंग समझी है तुमने? फेस रीडिंग की बुक्स काफी पढ़ी है, थोड़ा थोड़ा समझ सकती हूँ, पर क्यों? मेरी आंखें देखो और बताओ तुम्हें क्या पता चलता है। तुम यहाँ मुझे कुछ बताने आए हो, Come on, tell me what is it? अगर मुझ में हिम्मत होती तो कब का बता दिया होता। तुम्हें इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है क्या? लड़कियां हमेशा बहाना बनाती हैं। कुछ चीजें बातों से नहीं बताई जाती, वो सब कुछ समझती हैं, पर फिर भी अपने कानों से सुनना चाहती हैं। पर हर कोई बोल नहीं पाता और वो गुड बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। कौन सी लड़कियाँ, तुम क्या बोल रहे हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पास में ही देवी का एक बहुत सुंदर मंदिर है, वहाँ जो भी विश मांगो वो पूरी हो जाती है। मैं तुम्हें वहाँ ले जाने आया हूँ, यही बताने आया था। नहीं नहीं, तुम ये नहीं बताने आए थे, कोई और बात जरूर है। भरत, you're hiding something. Tell me what is it? जैसा कि मैंने कहा, hope you understand. Bye. श्री वो देखो, गांव में मेला लगा है और जाइंट व्हील भी है, चलो हम दोनों उसमें बैठते हैं। Are you crazy? No.
वो आदमी कौन है? फिल्म एक्टर है। फिल्म एक्टर? या न्यू कमर। ए भाई, अरे एक डायलॉग तो बोलो भाई। सूर्य और चंद्र का मिलन साल में एक बार होता है, अगर मैं चलूं तो पूरे 12 के 12 महीने को ग्रहण लगा दूं। जूस लेगा क्या? लेगा ना, तू भी लेगा ना, जूस मिलेगा सबको। तुम ही हमारे गांव के हीरो भाई, ऐसा डायलॉग तो मैंने लाइफ में नहीं सुना है। अरे भाई, उसी के लिए इतना क्रेज है ना? क्रेज? क्रेज वो नहीं है, क्रेज तो वो है जो किंग है, क्रेज का बाप। वही है जो मेरे सपने में आया था। जरा ठीक से देखो। राजकुमार, I want to watch his movie. ये लो कॉफी पियो। मुझे नहीं पीनी। ओह, अगर तुम कॉफी पियोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ की तस्वीर दिखाऊंगा। सच में दिखाओगे? ये लो पी। आइए आइए, मैं आपका इंतजार करना था। आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है क्या? मेरी बात का विश्वास करो। He is fake. श्री, हमारे गांव में सिर्फ यही एक टूटा हुआ कुआं है जो तुम सपने में देखती थी, यही है वो।
sure that this is the well? It is. पीछे जाओ, यहां मत खड़े रहो, चलो पीछे, बोल रहा हूं तुमसे, पीछे जाओ, चलो हटो। नमस्ते सर। नमस्ते, तुम यहां कुएं के पास क्यों आए? सर ये जब छोटी थी तब इसी कुएं में इसे मारने की कोशिश की गई थी। कुएं के पास आने के बाद इसे बीती हुई बातें याद आई। क्या तुम उस आदमी के चेहरे को पहचान सकती हो? Yes, मुझे वो चेहरा अच्छी तरह से याद है। I can draw. इसी तरह उसने मुझे भी मारने की कोशिश की थी। सर, वो बच्चे की लाश आइडेंटिफाइड हो गई है। ये उस बच्चे की माँ है। ये कपड़े देखकर वो माँ अपने बच्चे को पहचान गई। चेहरा बिगड़ने के कारण उस चेहरे की पहचान नहीं हो रही है। वो बच्ची आपकी है ना? हाँ सर, हम मेले में आए थे और वो रास्ता भटक गई। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जल्द से जल्द, ठीक है सर, ओके? और तुम दोनों कल पुलिस स्टेशन आ जाना। जी ठीक है सर।
कैसी है? अच्छी है सर, अब होश में आ गई है। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर, इसे क्या हो गया है? इट्स ए काइंड ऑफ फोबिया। उसके साथ जो कुछ भी हुआ है उसका असर उसके सबकॉन्शियस माइंड पे हुआ है। पुलिस को उसने क्रिमिनल के बारे में ये सब जानकारी तो दे दी, लेकिन उसके दिमाग में ये सब फिर से होने का डर है जो उसे सता रहा है। पर इसी की वजह से इस क्रिमिनल को पहचानने में आसानी होगी। जब तुम सही समय पर उसके पास पहुंचे तो उसे ऐसा लगा कि वो क्रिमिनल पकड़ा गया। ठीक है, जरा पीछे मुड़कर देखो। सर ये तो वही, जैसा डॉक्टर ने कहा, ये सब कुछ श्री के दिमाग में चल रहा था और वो वाकई उसे अटैक करने के लिए गया था। इसका क्या मतलब है सर? जब श्री ने ये तस्वीर बनाई तभी से हम उसे ढूंढने में लग गए थे। ये जानने के बाद वो वापस श्री पर अटैक करने मारने आया था, पर उस रात जब तुम आए वो तुम्हें देखकर वापस भाग गया। श्री! और जब हम रात को पेट्रोलिंग के लिए निकले तो वो हमारी जीप के सामने आ गया और उसे हम यहां ले आए। मार
मार खाने के बाद उसने सारा का सारा सच बताया। इतने सालों के बाद श्री ने उसे देखा तो वो शॉक में चली गई और इसी वजह से वो डर गई। मैं हॉस्पिटल आकर उससे जरूर मिलूंगा। ओके सर, थैंक यू। नमस्ते सर। नमस्ते। कैसी हो श्री? बेटर सर। अगर तुमने हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती तो ना जाने कितनी बच्चियों की जिंदगी चली जाती। थैंक्स अ लॉट। इट्स ओके। मेला शुरू होने पर वो अकेले बच्चों को अटैक करता है, तुम्हें भी उसने ऐसे ही अटैक किया था। तुम्हारे पास अगर कोई जानकारी हो तो बता सकती हो। चाइल्ड मिसिंग की ओल्ड रिपोर्ट मिल सकती है? हाँ, हमारे पास कंप्लेंट्स की डिटेल होती है। भरत, मेरे पेरेंट्स ने कंप्लेंट तो की होगी ना? सर, प्लीज सर, मैं ओल्ड रिपोर्ट्स चेक करना चाहती हूँ। डिस्चार्ज होने के बाद पुलिस स्टेशन आ जाना, मैं स्टाफ को बोल दूंगा। थैंक यू सर। अपने माँ बाप का हाथ छोड़ के अकेले कहाँ घूम रही थी? और अभी तुम्हें तुम्हारी फाइल चाहिए? इतनी सारी फाइल्स में तेरी फाइल कहाँ ढूंढूं? कभी तुम गुम हुई थी? मस्तक अभिषेक के वक्त मेले में ही। वो तो हर 12 साल बाद आता है, तुम कब गुम हुई मुझे क्या पता? ये ऐसे बात क्यों कर रही है श्री? ये तो छोटी चोर लगती है, तुम फिकर मत करो, मैं इसको देखता हूँ। सिस्टर जरा साइड में आओ ना। ए, तूने मुझे साइड में कैसे बुलाया? मी टू में केस डाल दूंगी। अरे सिस्टर, ऐसा वैसा नहीं हूं मैं तो इसके लिए बुला रहा था आपका। यहाँ सीसीटीवी कैमरा है, तू मेरे हाथ में देना चाहता है? तू उधर जा, ऊपर से दूसरे फाइल में रख दे। सिस्टर हाँ, यहाँ पर रखो ना। हाँ। आओ बेटा बताओ, तुम कब गुम हुई थी? मस्तक अभिषेक के टाइम पर। मुझे तो लगता है ये पैसे के बिना कोई काम नहीं करती। ये फाइल मिल गई। इस फाइल में उस साल के गुम हुए बच्चों के नाम हैं। इसमें श्री नाम है क्या? श्री? यहाँ किसी का नाम श्री नहीं है, एक दो लड़कों का है। कभी कभी पेरेंट्स कंप्लेंट नहीं लिखवाते हैं श्री, इसलिए अपसेट मत हो। इट्स माय बैड लक। एक हफ्ते में मेरा वीजा एक्सपायर हो जाएगा, अगर उसके पहले मिल जाते तो ठीक, अदरवाइज आई विल नेवर कम बैक अगेन। प्लीज डू समथिंग भरत। इनका नाम है श्री, वो फॉरेन से आई, उसके बचपन में। ए मौसी, कैमरा चालू है, देखो जरा कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। टेक टू रेडी। इनका नाम है श्री, वो फॉरेन से आई है, इनके बचपन में। मौसी, अरे कैमरा तो देखो जरा, अरे पीछे से जाओ, पीछे से। अरे अंधे हो गया, कैमरा दिख नहीं रहा है। ए चल जा रे। इनका नाम श्री है, वो फॉरेन से आई है, इनको पता नहीं है इनके माँ बाप कौन है। यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, इतने सारे लोगों में हमें ये पता लगाना है कि इनके असली माँ बाप कौन है। कुछ पता चले तो मुझसे संपर्क कीजिए। कैमरामैन कम रिपोर्टर टोनी, टीवी राइट। बेटी, मैं तुम्हारा पिता हूँ। ये देखो, यही वो कंधा है जिस कंधे पर खेलकर तुम बड़ी हुई हो। एक बछड़ा अपनी मैया को पहचान ही लेता है बेटा। आओ मेरी बेटी, मेरे पास आओ, मैं ही हूँ तुम्हारी माँ। कौन है वो कवि जिसने ये जागा नाटक लिखा, जब जिंदगी ने दर्द दिया और मौत दिया। भरत प्लीज, इनको जाने को कहो, मैं इरिटेट हो रही हूँ, मैं और एक्टर्स नहीं देखना चाहती। ये तो थिएटर के एक्टर लगते हैं, इन्हें तो देखकर बताना भी मुश्किल है कि असली है या नकली। सुनो बेटी, ब्लड ग्रुप मैच हुआ तो चलेगा क्या? यही है वो ब्लड सैंपल। तो आप पूरी तैयारी के साथ आए हो सर जी? ब्लड ग्रुप मैच करके कुछ नहीं होगा, दिल मैच होने चाहिए। इन्हें जाने के लिए कहो,
यू प्लीज मेक देम गो। देखा ना श्री, तुम एक माँ बाप ढूंढ रहे थे, कितने सारे मिल गए, किसी एक को पकड़ के तुम सेट हो जाओ। माँ 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 रुक जा, अब तक तो बेटी बेटी कर रहा था, मामा कर रहा, जा। आप लोगों का आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, खाना लगा हुआ है, बुफे सिस्टम में जाओ खा लो। ये भी है। हाँ ये भी मिलेगा। ए, लेकिन पहले खाना रेडी है, वो खा ले जाके जा। वो फॉरेन से आई है अपने माँ बाप को ढूंढने, पर उसके बदले में उसको बहुत सारे माँ बाप मिल गए। श्री अब उलझन में है कि उसके असली माँ बाप है कौन। मुझे नहीं लगता मुझे मेरे माँ बाप कहीं मिलेंगे। I'll go back. Sorry, श्री। बस थोड़े दिन रुक जाओ, हम ढूंढ निकालेंगे। Leave it. It's all my fate. तुम कुछ बताना चाहते थे ना? What is it? मुझे पता नहीं तुम्हें कैसा लगेगा, पर मैं तुम्हें बताऊंगा जरूर। कल बहुत से लोग तुम्हारे माँ बाप होने का दावा कर रहे थे, उनसे मिलके कैसा लगा तुमको? तुम्हें क्या लगता है? Obviously they are fraud. कोई किसी और के बच्चे को अपना बच्चा कैसे मान सकता है? I really felt bad for people like those. वो frauds नहीं है श्री, they are helpless, असहाय है। बिना परवाह किए वो तुमसे मदद ले रहे थे, पर तुम्हारी नजरों में वो लोग frauds हैं। हमारे देश में कोई बड़े बूढ़ों की इज्जत नहीं करता। हम ज्यादा से ज्यादा उन्हें बस में या ट्रेन में एक सीट दे देते हैं बस। फॉरेन में बच्चा बड़ा होते ही वो अपने माँ बाप को छोड़कर सीधे चला जाता है, पर हमारे यहाँ माँ बाप बूढ़े होते ही हम उन्हें छोड़ देते हैं। जब शहरों में ये होता है तो गाँव में क्या होता होगा? एक बार अगर वो बूढ़े हो गए तो उन्हें संभालने वाला कोई भी नहीं होता। कितने बेचारे माँ बाप तो औलाद के इंतजार में मर गए होंगे। बाहुबली ने तो मजाक में कह दिया था, पर इसके बारे में सोचना जरूर। तुम तो अपने माँ बाप को ढूंढने आई थी, और तुम्हें कितने सारे माँ बाप मिले? 100 से भी ज्यादा गार्डियंस। अगर तुम चाहो तो इन सबकी बेटी बन सकती हो। उन्हें सिर्फ एक छत चाहिए, सहारा चाहिए, तुम उनकी उम्मीद हो। कभी इस तरह सोचा ही नहीं। From today, I'll stop searching for my parents. मैं उन सबको अपने माँ बाप जितना ही प्यार दूंगी। I want all their love. I'll really do whatever I can. और उनकी जो भी जरूरतें हैं वो मैं पूरी करूंगी। और मेरे जाने के बाद उन सबको संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी और बाहुबली की। और वन मोर थिंग, मेंटेनेंस के लिए एवरी मंथ तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। बट नो चीटिंग दिस टाइम, ऑल राइट? तुम वापस कब आओगी श्री? फॉर योर वेडिंग। वेडिंग? हंस क्यों रहे हो? आई एम सीरियस। पेरेंट्स की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, पहले अपने लिए लड़की ढूंढो। ऑलरेडी लड़की मिल गई है। रियली? आई वांट टू सी द पिक्चर, शो मी। फोटो तो नहीं है उसके, बस वो दिल में है, वहीं पर रहती है वो। कम ऑन भरत, तुम मुझे झूठे माँ बाप लाकर उल्लू बना सकते हो, लड़की ढूंढना तो मुश्किल नहीं होगा। कम ऑन, टॉक टू हर, आई वॉन्ट टू स्पीक टू हर, कॉल हर। वन सेकंड। हेलो, हाय, श्री यर। हेलो, दिस इज पीटर। पीटर? पीटर? पीटर, आई थॉट यू हैव गॉन।
You here? That's why you were always with my girlfriend, huh? I will kill you. Hey, पहले ठीक से खड़े तो रहे, फिर मारना. What's your problem? You are my problem. You used to love me a lot, but you guys, you made a dump. Please don't take her away. I will die without her. Leave her, please. She's mine. Leave her. She's mine. Please, leave her. Leave her. अभी आया है, थोड़ा जल्दी नहीं आ सकता था? अरे जब मैंने अपना सपना सजाया तो आ गया तोड़ने के लिए. थू, भूल जाना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है. अरे मैं कौन होता हूं उसे प्यार करने वाला? हाँ, सी पीटर, इंडियंस नो हाउ टू गिव, दे ओनली नो टू गिव, दे डोंट नो टू स्नैच. पीटर, where are you? I'm very sorry, Shri. I didn't understand your feelings. And I know I hurt you very bad. I'm so sorry. Leave all that. Where are you, Peter? Turn around. तूने बसा लिया सारा जहां, इस दिल पे मैंने लिख लिया तेरा ही नाम. Emotions. Everything is in heart. Yes. Even I want to be an Indian. Look what? Here. Maruti. Are you serious? Ganapati. Oh, India is great. I love you. कहां जा रहे हो? श्री, हमारी बेटी नहीं है. फिर भी वो हमारा ध्यान रखती है सगी बेटी की तरह. एक आसरा ढूंढने के लिए हमने झूठ बोला था. देखिए बाबा, वो अच्छे से जानती है कि यहां पर उसके कोई सगे मां बाप तो है नहीं. मैंने भी आपकी तरह उसको धोखा दिया है, पर उसने मुझमें एक बदलाव लाया है और वही बदलाव आप में भी आ सकता है. प्रायश्चित से बड़ा और क्या बदलाव हो सकता है? अगर आप जाएंगे तो उसे बहुत ही बुरा लगेगा. अगर आप चाहते हैं कि उसे बुरा लगे तो आप जा सकते हैं. आओ, सामान रखते हैं वापस. ये फोटो मेले में खिंचवाई थी. अगर ये फोटो उसको दिखाएंगे
तो वो हमारा विश्वास कर लेगी। आप क्यों मुझे दिखाने नहीं देते? हमें जो चाहिए वो सब है यहाँ। उसे नहीं पता उसके असली माँ बाप कौन है, इसीलिए वो सबको अपना परिवार मानती है, सबको संभालती है। अगर उसे पता चला तो शायद उसके दिल में स्वार्थ जागेगा और धीरे धीरे इन सबको दिया हुआ प्यार भी चला जाएगा, फिर इंसानियत भी खत्म हो जाएगी। इस फैसिलिटी में हमारे सर पर छत है, दो वक्त का खाना है, वो हमें जरूर अपने घर लेकर जाएगी। हम हमारे समाज के बारे में कभी कुछ नहीं करते, पर हमारी बेटी इतना अच्छा काम कर रही है, स्वार्थ में आकर सब बिगाड़ना चाहती हो। उसे खोने के बाद जितना भी दुख दर्द हमने सहा है वो दिल में रखकर हम अभी भी जिंदा है ना। वो हमें नहीं भी मिली होती तो भी हम जिंदा होते ना। तो ऐसे ही जीने में क्या हर्ज है? हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप सबके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? पता है आपके साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए आज कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? श्री आ रही है। कनेक्ट करो। करता हूँ। हाय मॉम, हाय डैड, हाय। हाय। हाउ आर यू ऑल? हाय, फाइन। हाय भरत। हाय श्री। व्हाट्स द ब्रेकफास्ट टुडे? हाय मैडम, गुड मॉर्निंग। Today's breakfast menu is idli, vada, dahi vada, chaat bhat, pakoda masala vada, lemon rice, jeera rice, akki roti, pongal, neem dosa, uttapam. Okay, enough, that's it. I miss Indian food so much. Jis kisam ka khana tum bhej rahi ho, lagta hai hamara weight double ho jayega. Shri, tum kab aa rahi ho? I'm coming soon, very soon. Apni sehat ka khyal rakhna, dawaiyan time par khana. Take care. Okay, bye. Bye.